हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हो इकबाल एडिटिंग। तो आज मोना नाम से बनाएंगे और न्यू डिजाइनिंग और न्यू फॉन्ट के साथ। तो पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, और नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि हम इसी तरह का अच्छा और यूनिक और सबसे अलग कंटेंट लेके आते रहते हैं। सबसे पहले हम पिक्सेल लैब ओपन करेंगे, उसके बाद इसमें हम नेम ऐड करेंगे। इसका कॉपी करेंगे, बाकी का नाम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम फॉन्ट लगाएंगे, तो उसके लिए हम एबल ऑप्शन में जाएंगे नीचे। यहाँ ये भी फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं ये वाला। पेंडिंग जो है थोड़ा उसे हम बढ़ा लेते हैं। और इसमें भी हम एक फॉन्ट ऐड कर लेते हैं, ये भी फॉन्ट में जाएंगे। ये सारा फॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं। उसके बाद इसका साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देंगे, और इसके साइज़ को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एक फॉन्ट और लेंगे, न्यू टेक्स्ट लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पे एन लिखेंगे, और फिर से ए बी फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट ले लेते हैं। ये भी फॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं। इस तरह से इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से हम सिप लेंगे और ये वाला लेंगे, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम एक टेक्स्ट लेंगे। इसमें हम दो तीन तरह का, कम से कम चार या पांच फॉन्ट यूज किए हुए हैं। तो यहाँ से कैपिटल में एल लेंगे, और ए बी फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं, कौन सा, लीफ। कैपिटल में एफ टैप करेंगे, इसको हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं साइज, और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, हल्का सा क्रॉस कर देते हैं इस तरह से। फिर से कॉपी करेंगे, इसको इस तरह से क्रॉस कर देते हैं, रोटेट करने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद इसमें हम एक फॉन्ट और लेंगे बोनस आर्ट का, इसके लिए भी हम ये भी फॉन्ट में जाएंगे, और यहाँ से हम बोनस आर्ट ले लेते हैं। इसको जो है यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे, ये हो जाने के बाद इसका कॉपी करेंगे और इसमें हम बी टैप करेंगे, और इसको जो है यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, टच नहीं करना एक दूसरे में। इस तरह से करने के बाद एक फॉन्ट और ले लेते हैं, इसमें हम टैप करेंगे जी एफ कर देते हैं, देखते हैं क्या कौन सा आता। ये भी फॉन्ट में जाएंगे, और यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं, ये वाला।
जी टैप करेंगे इसमें तो ये आएगा। उसके बाद इसमें हम स्टॉक लगा देते हैं, कलर ब्लैक, स्टॉक 4 रखना। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको हम मर्ज कर देते हैं, जी और ये स्क्वायर। उसके बाद हम बीच वाले ऑप्शन में जाएंगे नीचे और यहाँ से इरेज कलर ले लेते हैं, 1 पे टैप करेंगे, यहाँ से फुल ब्लैक कर देंगे और इसको हम 50 पे रखेंगे। ये हो जाने के बाद सारे को हम मर्ज कर लेते हैं। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके बाद हम इसको सेव करने के लिए ये नीचे राइट साइड से दूसरे नंबर पर लेयर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट में जाएंगे, सेव इमेज में जाएंगे और यहाँ से हम अल्ट्रा में इसको सेव करेंगे। उसके बाद हम PSCC को ओपन करेंगे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके बाद प्लस में जाएंगे, यहाँ से हम फ़ोटो ले लेते हैं। पिंटरेस्ट से ये फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद हम फिर से प्लस में जाएंगे, फ़ोटो लेयर में जाएंगे, यहाँ से जो पिक्सल लैब हम सेव किए हैं उसे ले लेते हैं। इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। एडजस्ट करने के बाद ओके कर देंगे। इसका हम 2 डुप्लीकेट बनाएंगे लेयर। उसके बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से हम बेबल लें ये लाइटन लेंगे, सर्कल को निकाल देंगे, बाय डिफॉल्ट सेटिंग ओके कर देंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन। उसके बाद दूसरे नंबर को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है, सॉरी इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ से ड्रॉप शैडो ले लेते हैं। इसका ब्लर हम रखेंगे 4 ही रखेंगे और एंगल हम 100 के आसपास रखेंगे और कलर ब्लैक। इसका भी हम ब्लेंडिंग मोड मल्टी रखेंगे। उसके बाद लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से बेबल लेंगे और ब्लर 10, डिस्टेंस भी 10 और एंगल जो है हम एंगल हम 30 के आसपास रखेंगे। एंगल हम 15 रखेंगे ओके कर देंगे। तो 10 बेबल लगाएंगे। उसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड लाइटन कर लेते हैं। लाइटन में नहीं दिख रहा है, अभी नॉर्मली रहने देते हैं। उसके बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाएंगे, नहीं फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ से सिलेक्ट टूल लेंगे और मोड प्लस कर देंगे। उसके बाद हम ये इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी। उसके बाद हम लास्ट वाले लेयर पे आएंगे, फुल इन स्टॉक से कलर वाइट टैप नोस रखेंगे। उसके बाद हम बीच वाले लेयर पे जाएंगे, 2x30 में से हम सिलेक्ट करेंगे, पहले पिक्सल को दे सिलेक्ट कर लेते हैं, 2x30 सिलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे, कलर इस बार हम चेंज कर लेते हैं इस तरह का। फिर से हम बीच में टैप करके पिक्सल को डिसलेक्ट कर लेंगे, बीच वाले लेयर में जाएंगे, ये 2x30 को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, इस बार हम कलर सिर्फ वाइट रखेंगे। इसके बाद हम बीच वाले लेयर में जाएंगे, पिक्सल को डिसलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ये सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आएंगे, फुल इन स्टॉक से जाएंगे, सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी सिलेक्ट हो गया, नीचे जाएंगे, फुल इन स्टॉक से कलर लेंगे, टैब फुल रखेंगे और ये कलर ले लेते हैं। उसके बाद फिर से बीच वाले लेयर में जाएंगे और यहाँ से हम सिंगल मोड रख लेते हैं नॉर्मल, इसे सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, टैप नोस और कलर हम वाइट लेंगे, अमाउंट 50।
ओके कर देंगे। ये हो जाने के बाद बीच वाले लेयर पे जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, फुल इन स्टॉक में जाएंगे, यहाँ से फ़ोटो में जाएंगे, यहाँ से सनी अप टर्न लेंगे, हंड्रेड कर देंगे इसको, 1 2 दो बार इसमें ये सनी अप टर्न लगाएंगे। उसके बाद हम बीच वाले लेयर में जाके प्लस मोड कर लेते हैं, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम बीच वाले ही लेयर से कलर फिल करेंगे, टैप फुल, कलर हम ये वाला ले लेते हैं लाल। ये हो जाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस मोड ही रखना, और इसे नहीं, इसे ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं। नीचे आएंगे, टेप फूल रखेंगे, नोस रखेंगे और कलर हम ये रखेंगे। उसके बाद हम पिक्सल डी सिलेक्ट करेंगे, फिर बीच में जाएंगे, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। उसके बाद इसी लेयर में से फुल इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से स्टाइलिश में जाएंगे, ये ले लेते हैं। वन टू इसमें से नहीं, हम इसमें से लगाएंगे, इसमें इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से हाफ टोन पैटर्न लगाएंगे, 1 2 3। उसके बाद हम यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका है, एक चीज़ और बचा हुआ है तो उसे भी हम ले लेते हैं, ये बीच वाला जगह जो है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे जाएंगे, फुल इन स्टॉक से कलर लेंगे, कलर रेड टैप फुल रखेंगे। उसके बाद पिक्सल को डिसलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम बीच वाले लेयर में जाएंगे, ये साइड का पत्ती हम सिलेक्ट करते हैं और इसे भी, और ये हार्ट जो बना हुआ है ना उसे भी हम सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से लेयर फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, डन करेंगे, ये कॉपी हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद ये कॉपी वाला आइकन, ये लेयर है, कॉपी वाला लेयर को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से बेसिक में जाएंगे, यहाँ से बेबल लेंगे, 5 रखेंगे, ब्लर 5 और डिस्टेंस भी 5, कलर ब्लैक, एंगल 180, ओके कर देंगे। फिर से एफएक्स में जाएंगे, बेबल लेंगे, ब्लर 5 और डिस्टेंस 5 ही रखेंगे, एंगल हम 90 कर लेंगे। फिर से जाएंगे, बेबल लेंगे, एंगल 0, फिर से एक बार लगाएंगे, एंगल 90। ये हो जाने के बाद हम इसी लेयर को सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे और यहाँ से क्रॉस ले लेंगे, इसी तरह का हम सेटिंग करेंगे, वो भी मल्टी कलर पे, इस पर नहीं, मल्टी कलर पे, इस तरह का हम सेटिंग करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे और यही लेयर सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से फोटो में जाएंगे, सनी आफ्टरनून लेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ से सॉफ्ट स्किन लेंगे 2। उसके बाद हम यहाँ से ओल्ड डिस्प्ले ले लेंगे, सेचुरेशन इसका हम 90 के आसपास रखेंगे और ये हम 10 रखेंगे, इस तरह से। उसके बाद हम इसी लेयर को सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे, यहाँ से हम शैडो ले लेंगे, यहाँ से लाइट पे क्लिक करेंगे और इसको हम इंक्रीज कर देंगे, 50 रखेंगे। तो यहाँ तक बन गया। अब
इसके बाद हम पिच वाले फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे, यहाँ से ग्लो ले लेते हैं, कलर वाइट 0.1 रखेंगे, ओके कर देंगे। और इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं बीच वाले लेयर का। और इसका हम एक डुप्लीकेट कर देते हैं बीच वाले लेयर का। लास्ट वाला का ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल ही रखना है। तो आप चाहे तो इसमें लाइट भी लगा सकते हो। यहाँ तक तो हमारा बनके तैयार हो गया। और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और यहाँ तक देख लिए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह का दिखेगा, देख सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए डन करेंगे, सेव करेंगे।